नमस्कार, मैं प्रिया अवध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के भरतपुर बयाना की है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ। वहीं बयाना में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर SDM जगदीश आर्या, रेलवे स्टेशन पर SSC त्रिलोक चंद्र, RPF इंचार्ज शिवराम के द्वारा बयाना में आज विभिन्न प्रकार के आयोजन व मैराथन दौड़ आयोजित कराई गई। वहीं सभी को RPF इंचार्ज शिवराम सिंह ने एकता और अखंडता की शपथ ग्रहण करवाई। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश भी डाला। वहीं उप जिलाधिकारी जगदीश आर्य द्वारा स्कूलों में लगभग 400 छात्रों द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसको अपने निवास स्थान भीमनगर से शुरू कर कुंडा तिहारे तक की दौड़ लगवाई गई। प्राइम न्यूज 24 के लिए राजस्थान के भरतपुर बयाना से देवी सिंह प्रजापत की खास रिपोर्ट। पटेल जो अपने गृह मंत्री भी रहे, उनके जन्मदिन को आज एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर शताब्दी वर्ष है। भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया था। उसी कड़ी में इस दिवस को अपन एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल जी की ओर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जगह जगह पर। उसी कड़ी में बयाना को भी एक प्रोग्राम शपथ लेता हूँ, राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ही ले रहा हूँ। जैसे सरदार वल्लभ भाई प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें रेल कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया और इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग सब मनाने के लिए इकट्ठे हुए। कौन सी दौड़ निकाली गई थी आज? एकता दौड़ का आयोजन किया गया था सुबह 6 बजे से और 7:30 बजे के मध्य। इस दौड़ में कौन कौन सम्मिलित हुए थे? इस दौड़ में 16 विद्यालयों के लगभग 400 विद्यार्थी, उन्होंने भाग लिया और उपखंड स्तर के जितने भी कार्यालय हैं उनके कार्मिक उपस्थित। किस जगह?